जिला फिरोजाबाद के नगर सीसागंज में सीसागंज नगर की एक माथुर वैश्य धर्मशाला में सीसागंज नगर की एक सामाजिक संस्था महिला एवं बाल जागृति सेवा संस्थान के तत्वाधान में नववर्ष एवं शरद ऋतु के उपलक्ष्य में गरीब एवं असहाय व निराश्रित लोगों के लिए कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची शशि प्रभा, समाज सेविका शुकाबा, सीसागंज पूर्व पालिका अध्यक्ष सरोज शर्मा एवं सीसागंज वर्तमान नगर पालिका चेयरमैन सोनी सिवहरी की धर्मपत्नी रूबी सिवहरी के द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां मुख्य अतिथियों के द्वारा करीब 200 गरीब असहाय एवं निराश्रित लोगों को कंबल वितरण किया गया, जहां शुकाबाद की समाज सेविका शशि प्रभा ने कहा कि सीसागंज नगर की महिला एवं बाल जागृति सेवा संस्थान के द्वारा जो गरीब एवं असहाय व निराश्रित लोगों को जो कंबल वितरण किया गया है वो एक सराहनीय कार्य है और आगे भी किसी तरह के कार्यक्रम एवं महिला जागृति सेवा संस्थान के द्वारा होते रहना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला एवं बाल जागृति सेवा संस्थान की अध्यक्ष नीलम सागर, सचिव रीता कौशल, कोषाध्यक्ष अर्चना सिंह, प्रवक्ता अलका अग्रवाल के साथ दीक्षा पांडे, निशा वर्मा एवं डॉक्टर बीएस गौतम, सूचना अधिकारी टूला के साथ महिला एवं बाल जागृति सेवा संस्थान की आदि महिला मंडल उपस्थित रहा। सीसागंज से सचिन जैन की रिपोर्ट है एसकेएच न्यूज। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, जो मेहनत करेगा। लेकिन चींटी चढ़ती है ऊपर, जब चींटी 10 साल गिरती है, जब ऊपर चलेगी तो 10 साल गिरेगी, वो हार कभी नहीं मानती है। जब वो हार नहीं मानती तो कभी ना कभी चढ़ जाती है। इसी प्रकार आपने हार नहीं माना, मेहनत करना और आपका सहयोग हम लोग करेंगे। हम लोग से जो भी सहायता होगी आपका सहयोग करेंगे और ये संस्था बनाई गई है, संस्थाएं करेंगी आपकी। यहाँ पर काफी लोग थे, मेरी बहनें भी बैठी हैं यहाँ पर, यहाँ पे चेयरमैन है उनकी वाइफ भी बैठी है और गुरुदत्त जी की उनकी वाइफ भी बैठी है, सुखावा से आए लोग भी बैठे हैं, आदरणीय फिरोजाबाद से आए हमारे यादव जी जो कि वो संस्थाओं में ही काम करती है, काफी मेरे भाई बैठे हैं। मैं महिला बाल जागृति सेवा संस्थान की अध्यक्ष नीलम सागर, इन्होंने संकल्प लिया है कि मैं गरीब अनाथ पिछड़े असहाय लोगों की सेवा करूंगी आजीवन, और मैं ये भारत की बेटी ये संकल्प लेती हूं कि जब तक मैं हूं तब तक मैं इस समिति दिया द्वारा सभी लोगों को जागृत करती रहूंगी और हमारे यहाँ गरीब बच्चे की शिक्षित किए जाते हैं, जैसे अनाथ बच्चे और कूड़ा करकट ढूंढने वाले बच्चे, भीख मांगने वाले बच्चे, हमारी संस्था ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का कार्य भी कर रही है। और ये जो प्रोग्राम है, इससे पहले एक महीने पहले भी हमने ये प्रोग्राम रखा था और आगे भी हम ये प्रोग्राम रखते रहेंगे। आज क्या है, आज क्या कार्यक्रम हुआ है? आज यहाँ कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है समिति के द्वारा। लगभग कितने कंबल बांटे गए हैं? यहाँ कंबल करीब 200, एक का कंबल हो गया है, 201 कंबल संख्या में रखी गई है।